हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.3। पहला ही क्वेश्चन है बच्चों, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपको पार्ट 1 में दिया गया है 4/7 ऑफ 7 इज, यानी कि 4/7 का 7 कितना होगा। इस चीज़ को बच्चों मैं आपको पहले समझाऊंगी कि कैसे करना है। देखो, हम सभी बच्चे बॉड मास का तरीका सभी को पता था कि बॉड मास में ऑफ ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चों, ये आपको फ्रैक्शन दी गई है और ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। तो मैं भी आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ और फिर आपको ये बताती हूँ कि 4/7 के कितने हिस्से के इक्वल है, या 3/7 ऑफ 1 वीक, एक सप्ताह का 3/7 कितना है, या 4/5 120 का कितना हिस्सा है। तो ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी और इसी तरह आपका फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ये मैंने आपके यहाँ पर उतार लिए थे। तो देखो बच्चों, अभी आपको मैंने बताया कि आपने इसको सॉल्व करके देखना है। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का निशान लगा लेना और 7 एज इट इज़ लिख लेना। अब बच्चों, बारी आती है इसकी कटिंग करने की, जो आपको एक्सरसाइज नंबर 6.2 में बताई थी मैंने कि जो भी आपका एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर हो तो उनको आप काट सकती हैं। तो 7 × 7, 7 × 7, क्या बच गया, 4। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 4। इसी तरह 3/7 of 1 week, 3/7 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 1 week, 1 week किसके इक्वल होता है, 7 days के। तो यहाँ पर भी आप 7 कर लेंगे, तो ये भी आपका कट हो रहा है। एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, तो आइए कट गए 7 × 7, 7 × 7, तो क्या आ गया, 3। ओके बच्चों, इसी तरह यहाँ पर है 4/5 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और 120 को आप एज इट इज लिख लोगे। तो अब देखो बच्चों, 4 और 5 तो आपस में नहीं कट रहे, बट 5 से 120 कट जाएगा। 5 × 5, 5 × 10 बचे 2, 0, 4, 5, 5, 4 × 20, और 24 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 24 × 4, 4, 4 × 16, 4, 2 × 8 और 1, 9। इस तरह से ये आपके आंसर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों मैंने यहाँ पर उतार दिया, फाइंड द फॉलोइंग। पार्ट 1 है 1/4 ऑफ एन आवर, एक घंटे का 1/4 कितना हिस्सा होगा वो बताना है। आप बच्चों सॉल्यूशन में करेंगे तो आप सभी को पता है 1 hour = 60 minutes, ये लिख लेंगे आप। आपको बताना है कि 1/4 of 60 minutes, यानी कि वही बराबर है। तो क्या करेंगे, 1/4 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और यहाँ पर 60 कर दोगे। अब देखो बच्चों, 4 से 60 कट जाएगा ना, यस, 4 × 1 = 4, 1 जा पे चलाया बचे 2, 4, 5 जा 20, क्या आ गया आपका आंसर, 15। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 15 मिनट्स ही आप लिखोगे। पार्ट नंबर 2 है बच्चों इसका, 4/5 of 40, यानी कि 40 का 4/5 कितना होगा। तो वही है बच्चों, इसमें भी 4/5 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और 40 को एज इट इज आप लिख दोगे। अब आप चाहो तो बच्चों इनके अपॉन में 1 भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, 4, 8 × 40 होते हैं, यस, तो आप इसको काट सकते हो। 5 × 5, 5, 8 × 40, तो क्या बच गया आपके पास, 4 और 8 बच गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4, 8 × 32, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका 3/5 of 1 rupee, 1 रुपए का 3/5 हिस्सा कितना होगा। तो आप जानते ही हो बच्चे कि 1 rupee = 100 paisa, 100 paise होते हैं इसके अंदर, तो आप यही लिखेंगे 3/5 of 100 paise। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 3/5 of का मीनिंग मल्टीप्लाई और ये एज इट इज 100। तो अब इसको काट देंगे, कैसे कटेगा, 5 × 5, 5 × 10 और 0 की 0, क्या बच गया आपके पास, 3 × 20,
तो 23 जा कितने हो जाएंगे बच्चों 60, और 60 के साथ आप पैसे लगाना मत भूलना। ओके, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है 7/9 ऑफ 40। तो वही है 7/9 कर देंगे, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और 40 का 40। अब बच्चों जहाँ पर बात आ जाती है कि आपस में ना कटते हो, तो देखो बच्चों 9 और 40 नहीं डिवाइड हो रहे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 7 और 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में 9 लिख देंगे। 7 4 जा 28, 0 की 0 और अपॉन में 9। और अब इसको आप क्या कर देंगे, इसको मिक्स्ड में चेंज कर देंगे। मिक्स्ड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 280 को आप 9 से डिवाइड कर दोगे। 9 3 जा 27, माइनस किया 1 बचा, ऊपर से उतारी 0, 9 1 जा 9, क्या बच जाएगा 1, जो बच जाता है वो ऊपर जाता है और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो नीचे आता है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 31 1/9। ओके, इसी तरह फिर नेक्स्ट है आपका 5/8 और 32। तो 5/8 को एज इट इज लिखा, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और 32 का 32। 8 4 जा 32 होते हैं, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, क्या बचा 5 × 4 बचे आपका, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसी तरह से बच्चों आपका 1/4 of 96, तो 1/4 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 96। ओके, अब 4 से देखेंगे हम 96 को डिवाइड होता है, अगर होता है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। यस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा 1, उतारा 6, 4 4 जा 16, तो आपका आंसर आ गया 24, क्योंकि 1 था इधर, 24 1 जा 24। एंड 7th पार्ट है बच्चों इसका हाफ ऑफ 1 लीटर, कि 1 लीटर का हाफ कितना होगा। तो वही है, सिंपल है बच्चों, 1 लीटर सबसे पहले लिख लेंगे आप, 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर के, आपने इसको लिखना पड़ेगा इस तरह से। ओके बच्चों, तो हाफ ऑफ का मीनिंग ऑफ ही यहाँ पर रख लेना, 1000 ml लिख देंगे इसको। क्यों लिखा है मैंने 1000 ml, कि 1 लीटर और 1000 ml एक ही होता है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और 1000 का 1000 यहाँ पर लिख लेना। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 0 इसके साथ ऐड कर देना, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 500 ml। वैसे तो ये ओरल था कि 1 लीटर का हाफ कितना होगा, 500 ml। नेक्स्ट आता है 11/13 of 39। सिंपल है, 11/13 लिखिए, ऑफ का मीनिंग लगाइए मल्टीप्लाई और 39 का 39। अब देखो बच्चों 13 3 जा 39 होते हैं, सिंपल 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, ऊपर क्या बच गया 11 मल्टीप्लाई 3, तो 11 3 जा 33, ये आ गया आपका आंसर, है ना, सिंपल। अब ये देखते हैं, तो ये देखो बच्चों बिल्कुल वही है 7th पार्ट की तरह, पर फिर भी करते हैं इसको हम, 1 लीटर इक्वल टू किसके बराबर होगा, यस 1000 ml के, मिलीलीटर के। तो 7/8 of 1000 ml किसके बराबर हुआ, 7/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑफ का मीनिंग 1000 ml। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं कटिंग कर दूंगी, 8 से 1000 को मैं डिवाइड करूंगी। कैसे करूंगी, तो 8 1 जा 8, अब चलाया 8 1 जा 8, बचे 2, उतार लिया 0, तो 8 2 जा 16, बचे 4, उतारी 0, तो 8 5 जा 40, कट गया। तो आपके पास क्या बच गया, 7 × 125 ml। नेक्स्ट में फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35 हासिल 3, 7 2 जा 14, 14 में 3 जोड़े 17, 1 7 1 जा 7 और 1 8 ml। इस तरह से आप इसको लिख दोगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट बचा है बच्चों 2/9 of 360, तो 2/9 लिखोगे, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 360। ओके, सिंपल है, देखो बच्चों 9 के टेबल में 36 आता है ना, यस 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और 0 जो बची उसको साथ में ऐड कर देना, तो आपके क्या पास बचा, 2 × 40 बचा,
तो 42 जा 80 आपका आंसर। और इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ बताती हूँ। रेसिप्रोकल ऑफ है नंबर। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? रेसिप्रोकल होता है टू नंबर्स आर सेड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज वन। दो नंबर्स को रेसिप्रोकल तब कहा जाता है जब वो एक दूसरे के, यानी कि उनका जो, अगर उनका प्रोडक्ट क्या आए, वन आए। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दिया गया है टू नंबर्स 3 and 1/3। तो 3 और 1/3 को अगर मैं जब मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर 1 आया ना बच्चों। यस, तो यही इसका रेसिप्रोकल है कि 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। ठीक है। और इसी तरह से फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, कि इसमें क्या करना है आपने, फ्रैक्शन अगर होल नंबर है तो उसकी फ्रैक्शन बना लेनी है एडिंग डिनोमिनेटर एज वन, और अगर फ्रैक्शन दी गई है तो सीधा उसका अपोजिट कर देना है, यानी कि डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। सिर्फ इंटरचेंजिंग करनी है आपने और कुछ नहीं करना। जैसे आपको ये दिए गए हैं तो यहाँ पर देखो रेसिप्रोकल ऑफ 7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अगर मैं 7 को 7 के अपॉन में 1 लिखती हूँ तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 ऊपर चला गया। इंटरचेंजिंग करना है बस। इसी तरह फिर 9 है, या फिर आपको याद दिया गई है, आपको फ्रैक्शन दी गई 3/11, तो इंटरचेंजिंग हो गया, डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन गया आपका डिनोमिनेटर। इसी तरह आपको अगर फ्रैक्शन दी गई है मिक्स्ड में दी गई है तो मिक्स्ड को पहले आपने इम्प्रॉपर में चेंज करना है और देन उसका आपने रेसिप्रोकल बताना है। तो चलिए मैं आपको जो है ना इसके 6 एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, 6 क्वेश्चन करके 6 मैं आपके लिए छोड़ दूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। देखो बच्चों यही है कि 2/5, तो आपने क्या करना है कि सीधा लिखना है रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 क्या हो जाएगा। तो देखो बच्चों इसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, 5 क्या बन जाएगा आपका न्यूमरेटर और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर, है ना सिंपल। इसी तरह सेम ये है, इसका भी सॉल्यूशन यही होगा रेसिप्रोकल ऑफ। तो इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ तो ये आप सभी कर लेंगे। आप ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को आप बना दो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को बना दो डिनोमिनेटर। इसी तरह फिर आप यहाँ भी लिख लेना, मैं सीधा इसका सॉल्यूशन ही करके दिखा रही हूँ। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1, यानी कि सिर्फ 2 लिख देना और कुछ नहीं करना। इसी तरह से 3/1 का रहेगा 3/1 बना लेना और इसका रेसिप्रोकल जो होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो इसका 3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/3। इसी तरह 41 को आप क्या कर लेंगे, 1 बना लेना और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 ऊपर गया और 41 नीचे आ गया, तो 41 का जो रेसिप्रोकल है वो है 1/41। अब इसी तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन जो आ गई, मिक्स्ड को पहले आप इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, तो इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, होल नंबर और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को प्लस करते हैं और अपॉन में डिनोमिनेटर। 4 + 4 + 1 = 5, 5/4, तो 5/4 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 4 और 4 ये डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर। इस तरह से आप सारे के सारे क्वेश्चंस आगे के इसके कंटिन्यू करना। ओके स्टूडेंट्स।